नीतीश के बुलावे पर पटना में 17, कांग्रेस के बुलावे पर बेंगलुरु में 26 के अंदर ही अंदर शो ऑफ स्ट्रेंथ चल रहा है। विपक्षी दलों के नेता बेंगलुरु में मिल तो रहे हैं, लेकिन अभी कई बड़े सवाल अनसुलझे हैं। कांग्रेस अंदर ही अंदर चाहती है कि सारे विपक्षी दल उसे बड़ा भाई मानकर साथ आएं, लेकिन बेंगलुरु में जुटे 26 दलों में कई ऐसे हैं जिनका क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस से टकराव है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस की छतरी के नीचे आ भी गए तो क्या अपने इलाकों में कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार होंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या ममता बड़ा भाई मांगेंगी बंगाल में कांग्रेस को? क्या आप दिल्ली में बड़ा भाई मानेंगे कांग्रेस को? ये बड़े सवाल हैं। बेंगलुरु की बैठक में इन्हीं प्रश्नों के हल निकालने पर चर्चा होगी। यही बेंगलुरु की मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा है। कल विपक्ष की मीटिंग में क्या होगा? TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। पहला बड़ा मुद्दा नाम को लेकर होगा। विपक्षी गठबंधन का नाम UPA रखा जाए या कुछ और? कांग्रेस ने यह बाकी विपक्षी दलों पर छोड़ दिया। दूसरा मुद्दा, संयुक्त विपक्ष को कौन लीड करेगा? कन्वीनर की बात होती है। कांग्रेस चाहती है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते गठबंधन का चेयरपर्सन पार्टी से हो सोनिया गांधी। इसी वजह से विपक्ष की बैठक में शामिल हो रही हैं और कहा यह जाता है कि उनके नाम पर शायद कंसेंसस बन सकता है। लेकिन पटना में क्या नीतीश के नाम पर कंसेंसस नहीं बन पाया? क्या उनका नाम चर्चा में भी था? यह सवाल में ही बहुत सारी चीजें हैं। तीसरा मुद्दा गठबंधन के संयोजक का है, कन्वीनियर की मैं बात कर रहा हूं। पिछली बार कुछ दलों ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया, इससे कांग्रेस को कोई एतराज नहीं था। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी है क्या? 14 विजय, विपक्षी दलों को कैसे एकजुट रखकर आगे बढ़ा जाए, इसके लिए 3 से 4 कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की तैयारी है। पांचवा मुद्दा, क्या 2024 का चुनाव किसी चेहरे को लेकर लड़ा जाएगा? विपक्ष में इसे लेकर करीब करीब सहमति है कि किसी नेता को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतारने के बजाय मुद्दों पर फोकस रखा जाए। इसीलिए 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम जनता करने की तैयारी है। और एक और मुद्दा वो ये है कि आखिर इस बैठक में क्या यह तय हो पाएगा कि कौन कौन से एजेंडे होंगे जिनके ऊपर यह चुनाव लड़ा जाए। कल 26 विपक्षी दलों के नेता जब एक साथ चर्चा करेंगे तो इन पांचों मुद्दों पर तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन ऑपोजिशन यूनिटी का असली टेस्ट इसके बाद शुरू होगा जब साझा चुनावी मुद्दे तय किए जाएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। इसी के साथ विपक्षी नेताओं में तालमेल बिठाना भी कोई आसान काम नहीं है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने जानकारी दी है कि इसके लिए 4 समन्वय समिति यानी सब ग्रुप बनाने की तैयारी। पहला सब ग्रुप मोदी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तय करेगा, किन मुद्दों पर आंदोलन करना है और किन मुद्दों को साइडलाइन करना है, यह सब ग्रुप में तय होगा। दूसरा सब ग्रुप में राज्यभर सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। तीसरा सब ग्रुप 26 दलों के नेताओं में किस बड़े मुद्दे पर अच्छा तालमेल रहे, इसके लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी है। चौथा सब ग्रुप 26 विपक्षी दलों का बड़ा कुनबा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए एक समन्वय समिति बनेगी।